नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं धौलपुर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के एक गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। साथ ही साथ परिजनों ने ग्रामवासियों पर पीट पीट करके हत्या करने का आरोप भी लगाया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके के गांव सोला खम्बा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद में कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक दर्जन लोगों पर युवक की पीट पीट करके हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि देर शाम सूचना मिली थी कि एक युवक का शव सोला खंबा के पास पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त सोला खंबा निवासी सुरेश के रूप में हुई है। जिसकी सूचना के बाद में परिजन भी मौके पर पहुंचे और गाँव के ही एक दर्जन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं नामजद आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कल शाम को 6 बजे के करीब सोलह खंबा में घटना हुई थी, जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मनीष हैं जिन्होंने बताया कि मेरे भाई सुरेश को नामजद 12 व्यक्तियों ने मारपीट करके खत्म कर दिया है। उसका डेड बॉडी रखवाई गई शाम को, अभी पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अग्रिम कार्रवाई जल्दी की जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं धौलपुर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, COVID-19 वैक्सीनेशन आने के बाद में आज धौलपुर जिले के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। COVID-19 की वैक्सीन आने के बाद में उसके रखरखाव और वैक्सीन लगाने को लेकर के प्रदेश भर में ट्रायल रन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज धौलपुर जिले के एक निजी विद्यालय में बनाए गए COVID-19 सेंटर पर वैक्सीन लगाने को लेकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों के किस प्रकार वैक्सीनेशन की जाएगी, इसकी जानकारी भी दी गई और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्सीनेशन में समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों की जानकारी भी दी। मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया भी मौके पर मौजूद रहे हैं, जहां पर CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल और PMO डॉक्टर समरजीत सिंह से व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि जिले में पहले चरण में 6000 कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसकी जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। देश भर में वैक्सीनेशन का एक ड्राई रन किया गया, जिसमें ये देखा गया है कि कैसे व्यक्ति आएगा, कैसे पंजीकरण होगा, कैसे टीकाकरण के कमरे में जाएगा, कैसे वो वेटिंग हॉल में रहेगा, कैसे ऑब्जर्वेशन हॉल में रहेगा। तो सभी प्रकार की चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो कमियाँ उसमें पाई जा रही हैं उनका चिन्हीकरण करके तो दूर किया जाएगा। ड्राई रन जो हुआ है बहुत सफलतापूर्वक हुआ है और माननीय सांसद महोदय भी इसमें उपस्थित रहे और माननीय विधायक महोदय भी उसमें उनकी सहभागिता रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सफलतापूर्वक इसको करेंगे और प्रथम चरण में 6000 हेल्थ वर्कर्स का किया जाएगा और सेकंड चरण में 50 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका हम करेंगे और तृतीय चरण में ऐसे 50 साल से कम की उम्र के लोग जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं उनका हम करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि धौलपुर जिले में पहले ही कोरोना लगभग समाप्त है, लेकिन बिल्कुल एक भी केस नहीं है। उसकी भी तैयारी और पूरा वैक्सीनेशन की तैयारियाँ हैं और आशा करता हूं कि धौलपुर जिला जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में और विकास के लिए लगातार प्रगति कर रहा है, हम सबके संयुक्त प्रयास से और आगे प्रगति करेगा। और सबसे बड़ी प्रगति ये अंतिम व्यक्ति जो समाज के हैं, दिव्यांगजन है, इनको आत्मनिर्भर बने ये बने, इनकी शुभकामनाएं। और ठीक है, आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूँ, दौसा जिले में सांसद व नगर परिषद सभापति द्वारा नई मंडी रोड पर फीता काट करके सड़क का लोकार्पण किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के अंदर सांसद ने बताया कि करीब 24 लाख की लागत से 192 मीटर लंबी व 9 मीटर चौड़ी सड़क के बनने से शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सांसद जसकोर मीणा ने कहा, क्षेत्र के विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा,
परिवहन कनेक्टिविटी बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया, क्योंकि गांव के अंदर पक्की सड़कों का सपना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ग्रामीणों को पंचायतों को जोड़े रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ अटल के द्वारा किया गया था। इसके तहत आज तक काम चलते रहे हैं। गौरतलब यह भी है कि नई मंडी रोड की सड़क पूर्व में 2011 में बनी थी, वहीं सड़क जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, जिससे किसानों को आम राहगीरों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था। सांसद जसकोर मीणा ने कहा कि दौसा में 160 करोड़ की लागत से तमाम दौसा जिले में 92 करोड़ के काम सैंक्शन हो चुके हैं। अब किसानों को छुटकारा मिलेगा और राहगीरों को सुविधाएं मिलेंगी, आवागमन में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी, पार्षद दिव्या चौधरी, आशा खंडेलवाल, कविता आनंद माया शर्मा, मंडल अध्यक्ष विपिन जैन, राकेश चौधरी, महेंद्र आनंद सहित सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन से जुड़े रोजाना नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। कभी आदेश ट्रेनों के समय में बदलाव से जुड़ा होता है तो कभी संचालन अवधि से जुड़ा होता है। रेलवे जीरो टाइम टेबल के साथ जारी करने की बजाय टुकड़ों में जारी कर रहा है। शुक्रवार को रेलवे ने जयपुर के यात्रियों को कुंभ में भेजने के लिए 3 ट्रेनों को शुरू करने का आदेश किया है। CPRO लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार पहली ट्रेन 9565 ओखा देहरादून स्पेशल 15 जनवरी से रोजाना शुक्रवार को रवाना होगी। जोधपुर शहर की कायालीन झील में लापता स्पेशल फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। एयरफोर्स और सेना के 150 जवान शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। शव की तलाश करने के लिए शनिवार को दिल्ली से स्पेशल टीमों को भी बुलाया गया। स्पेशल फोर्स के कमांडोज के साथ कैप्टन अंकित गुप्ता ने शुक्रवार दोपहर कायलाना झील में हेलीकॉप्टर से झील में छलांग लगाई थी। इसके बाद 3 जवान तो झील से बाहर निकल गए, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता का कोई भी सुराग नहीं मिला है। उसके बाद से सेना, एयरफोर्स और पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन कर कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश अभी जारी है। प्रदेश के अंदर अब बर्ड फ्लू तेजी से फैलने लगा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के 5 और जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क के नज़दीक भी कौओं में वायरस की पुष्टि की गई है। बीते 24 घंटे में जिन जिलों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनमें हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, बांसवाड़ा और दौसा शामिल हैं। पहली बार एक साथ 5 जिलों में वायरस की पुष्टि की गई है। चिंता यह भी है कि प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में पक्षी मृत पाए गए हैं। इनके सैंपल भी भेजे गए और रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पशुपालन विभाग इन्हें प्रभावित जिले मान रहा है। अब तक कौओं में ही बर्ड फ्लू के केस मिल रहे थे, लेकिन अब प्रवासी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू का वायरस मिल रहा है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि राजस्थान में अब तक मुर्गियों में बर्ड फ्लू नहीं मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे किसानों एवं केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद कहा कि अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को दिखाता है। इसके साथ ही गहलोत ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई का निर्णय करेगा। लेखनीय है कि किसान संगठनों एवं केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत शुक्रवार नई दिल्ली में हुई है, जो बेनतीजा रही। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना काल का सबसे दुखद संयोग हुआ है। 15 मई के बाद पहली बार कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। एक माह पहले 8 दिसंबर को एक दिन में सर्वाधिक 20 मौतें हुई थी, लेकिन अब हम सुखद शून्य पर आ गए हैं। अब तक 2727 रोगियों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को नए रोगी भी पिछले दिन के 509 की तुलना में 38 कम यानी 471 ही मिले हैं। अब कुल संक्रमित 312,091 हो गए। इनमें से 301,962 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस 7,402 हैं, तो वहीं जून के बाद पहली बार जिलों में एक्टिव रोगी कम होने लगे हैं। 12 जिलों में शुक्रवार को एक साथ 100 से कम एक्टिव रोगी देखे।
एक दिन पहले तक 100 से कम एक्टिव रोगी वाले दो जिले थे। शुक्रवार को भरतपुर में 28, बीकानेर में 46, चूरू में 94, दौसा में 86, धौलपुर में 26, हनुमानगढ़ में 85, सवाई माधोपुर में 77 और टोंक में 40 एक्टिव रोगी रह गए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं फुलेरा की ओर। आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर ताशपत्ती पर दाव लगा करके जुआ खेलने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा थाना पुलिस ने जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी प्रशिक्षु शिप्रा राजावत ने ताश पत्ती की आड़ में किराने की दुकान पर जुआ खेलते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6,600 रुपये भी बरामद किए हैं। प्रशिक्षु शिप्रा राजावत ने बताया कि लगातार 5 बत्ती चौराहे के पास जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। इसी पर मुखबिर की सूचना पर मयंक किराना स्टोर पर दबिश दी तो वहां कुछ लोग जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस को देखकर के कुछ लोग भागने में सफल भी हो गए तो वहीं पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि RPS शिप्रा राजावत लगातार अवैध शराब के साथ साथ अवैध गतिविधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस क्षेत्र में अवैध कार्य करने वालों पर खलगबी भी मची हुई है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि लालचोल विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम शनिवार को भी जारी रहा है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ITI केंद्र रामगढ़ बछवारा पर जन सुनवाई कर रहे हैं। वहीं जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही जिला परिषद वार्ड नंबर 6 की 8 ग्राम पंचायतों में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग मंत्री ने सफाई कर्मियों को नियमित करने के विकास अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। रामगढ़ पछवारा मुख्यालय से ढाणियों को नरेगा से जोड़ने के विकास अधिकार को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ उप सरपंच प्रतिनिधि लल्लू राम सैनी ने रोड लाइट की उद्योग मंत्री से मांग भी की है। वहीं आपको बता दूं पंचायत सहायकों ने उद्योग मंत्री को नियमित करने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ बस स्टैंड स्थित नाला ढक्कन को लेकर के 15 फरवरी तक ढक्कन लगाने के उद्योग मंत्री ने निर्माण विभाग को निर्देश भी दिए हैं। वहीं रामगढ़ बछवारा में पानी के भराव को लेकर के नरेगा से नाला निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही साथ रामगढ़ बछवारा में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को वॉल सिस्टम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा किसान विरोधी काले कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। वहीं किसान विरोधी काले कानूनों ने 44 दिन के धरना प्रदर्शन में 45 लोगों की जान जा चुकी है और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा कृषि बिल के खिलाफ में किसानों से संवाद भी कर रहे हैं। किसानों का 45वां दिन चल रहा है धरना प्रदर्शन को लेकर, किसान संवाद कार्यक्रम के तहत क्या कहना चाहोगे? किसानों की जो धरना देने वाले किसानों की जो मांग है वो वाजिब है। सरकार ने जो भारत सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं इनको वापस लेने की मांग किसानों की वाजिब है। सरकार को वापस लेना चाहिए। इन कानूनों से देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी, किसान अपने माल को कहाँ ले जाएंगे, MSP बंद हो जाएगी, खाद सुरक्षा बंद हो जाएगी। अगर ये सब चीज़ें गरीबों की योजनाएँ बंद ही करनी है सरकार को तो निश्चित तौर से सरकार गरीबों के खिलाफ है, किसान विरोधी है और किसानों को की जो मांग है इस कानून वापस लेने की उसको मानना चाहिए। अब तक 44 दिन में 45 किसान शहीद हो गए और सरकार को इस पर विचार करना है। बिना मांगे तो देश के किसानों पर कानून थोपा है वो गैर किसान विरोधी है, उनको वापस लेना। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पछवारा के अंदर आज आप जन सुनवाई के दौरान क्या नई घोषणा कर रहे हैं? रामगढ़ पछवारा तहसील हेडक्वार्टर, SDO हेडक्वार्टर, पंचायत समिति हेडक्वार्टर हो गया और रामगढ़ पछवारा की विकास की गति बढ़नी चाहिए। उसके लिए हमने नालियाँ बनाने का यहाँ पर गाड़ियों की टाइल्स रोड बनाने का नरेगा में उनके प्लान बनाने के लिए कहा है। प्लान बनाकर पंचायत भेजेगी तो निश्चित रूप से रामगढ़ पछवारा की विकास की गति आगे बढ़ेगी
हम चाहते हैं रामगढ़ एक सुंदर कस्बा बने, अच्छा विकासशील बने, इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से हम व्यवस्था करेंगे। चाहे कैसे करें, तो रामगढ़ हेडक्वार्टर होने के बाद, पंचायत समिति का मुख्यालय होने के बाद रामगढ़ को और विकसित करेंगे। रामगढ़ पचौरा के अंदर सिविल लाइन की मांगे ज्यादातर, चारों तरफ पानी का भराव रहता है, क्या सिविल लाइन की भी कोई घोषणा कर रहे हो? सिविल लाइन की बात क्या, नालियां ही नहीं है रामगढ़ में, पानी निकासी का ही साधन नहीं है। नहीं वो आप नालियां बने, नाले बने, इसका प्लान बनाने के लिए हमने अभी इंजीनियर्स को कहा, पंचायत समिति वालों को एक दो दिन बनाकर देंगे और उसको निश्चित रूप से उसका काम होगा। उसके बाद सिविल लाइन की बात बाद में आएगी, पहले ये हो, पहले पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो। लोगों के साफ पानी से मकान डूब गए हैं, इसलिए तो नाले और नालियों की आवश्यकता है। उस पानी की निकासी सही माध्यम से होगी तो तभी पानी भराव समस्या दूर होगी। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा जिले में पद यात्रा निकाली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दौसा जिले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ में आज बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक एवं पीसीसी के महासचिव जीआर खटाना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों ने राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में आज द्वितीय दिन किसान पद यात्रा निकाली है। किसान पद यात्रा व किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत दिलाड़ी से की गई और पद यात्रा का किसानों व आमजन के द्वारा दर्जनों जगह भव्य स्वागत किया गया। आज की द्वितीय दिन की पद यात्रा दिलाड़ी से समेल, खूंटला, साहूपड़ा, मोनाबस, गूलर चौराया, पामाड़ी, सुनगाड़ी सहित कई जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया और किसानों की मांगों का समर्थन भी किया गया। विधायक हटाने ने कहा कि किसान जमीन में अन्न पैदा करके देश का पेट पालते हैं, आज वो ही अन्नदाता इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर के पिछले करीब 1.5 माह से सैकड़ों पर और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पर अभी तक मोदी का दिल नहीं पसीजा, पर पूरे देश की कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हो रही है। किसान का बेटा किसान के दर्द को अच्छे से समझता है, इसलिए कांग्रेस आज उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही विधायक खटारा ने कहा कि किसानों की मांगों के लिए प्रदेश में चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, कांग्रेस किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से देश की धड़कन तेज कर दी है। भारत में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 82 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,04,31,639 हो गई है। आए दिन खबर आती है कि बहू को ससुराल के लोगों ने प्रताड़ित किया या उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अहमदाबाद में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। इस बार लड़की के पक्ष ने अपने जमाई को इसलिए मार मार कर अधमरा कर दिया क्योंकि वह अपनी मां से अलग होने को तैयार नहीं हो रहा था। अस्पताल में इलाज करा रहे युवक ने अपने साले और ससुर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में फ्लॉप रहने के बाद में चेतेश्वर पुजारा तीसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत को कप्तान अजिंक्य रहाणे के रूप में तीसरे दिन का पहला झटका लगा। रहाणे पुजारे के साथ अच्छी साझेदारी बनाते नजर आ रहे थे, मगर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंग्स ने उन्हें बोल करके न सिर्फ भारत को तीसरा झटका दे दिया बल्कि पुजारा पर ही दबाव बना दिया। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं मामले। लोग ऑनलाइन अपने जीवन की जमा पूंजी गवा रहे हैं। ताज़ा मामला चंबा जिले का है, जहां पर पुलिस ने 13 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में एक नाइजीरियन जोड़े को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। देश भर में तारीफ बटोर रहे वाराणसी के शिक्षा मॉडल की गूंज अब बंगाल विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में भी वाराणसी के शिक्षा मॉडल को प्रचारित करेगी। बेसिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बदलाव और ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आसान और सरल बना बनारस का शिक्षा मॉडल एक बार फिर से चर्चा में दिखाई देगा। आगामी बंगाल चुनाव में भाजपा इसे अपने एजेंडे में शामिल भी करेगी।